ओके बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल्स एंड बॉयज वेलकम बैक ब्रांच अकाउंट अब आज हम क्या डील करने वाले हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम क्या डील करेंगे बेटा जी आज डोमेस्टिक ब्रांच ठीक है तो ये वाले चार्ट में अपना क्या क्या हो गया देख लो डिपेंडेंट uh, ब्रांच ये सारी चीजें तो हो गई थी इंडिपेंडेंट ब्रांच में ए एस भी हो गया बेटा अपना और आज हम क्या डील करने वाले डोमेस्टिक ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो दे बिकम एक्सट्रीमली नास्टी एंड कॉम्प्लिकेटेड ओके, okay. बट एक सही लॉजिक से अगर काम करोगे तो चीज हो जाएगी सो बॉयज एंड गर्ल्स यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू दिस पार्ट। और क्या लिखोगे डोमेस्टिक ब्रांच लिगेडिंग इंडिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच और उसके अंदर हम देख रहे हैं डोमेस्टिक ब्रांच फॉरेन ब्रांच हम देख चुके हैं डोमेस्टिक ब्रांच ठीक है अच्छा मैंने फॉरेन ब्रांच में आपको क्या सिखाया बेटा फॉरेन ब्रांच व्हाट डिड वी स्टडी इन रिवीजन फॉरेन ब्रांच के बारे में मैंने ऐसे बोला कि सर आपने यह बताया कि एचओ का एक ट्रायल बैलेंस होगा और सर आपने बताया कि ब्रांच का एक ट्रायल बैलेंस होगा बस प्रॉब्लम यह है कि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में होगा इन दोनों से हमको क्या बनाना था सर कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड पीएंडल अकाउंट बराबर है So, बेटा जी अब डोमेस्टिक ब्रांच में भी मेजर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा फॉरेन को काट कर अगर मैं इधर डोमेस्टिक लिख दूं तो डोमेस्टिक में भी यही करना है कि एक एचओ का ट्रायल बैलेंस होगा और एक ट्रायल बैलेंस ब्रांच का होगा और उससे आपको क्या बनाना है ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इफ रिक्वायर्ड बट रिमेंबर यहां पर एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा होगी एडजस्टमेंट यहां पर क्या था कि पहले फॉरेन ब्रांच में सारी एडजस्टमेंट कौन सी थी कन्वर्जन की एडजस्टमेंट थी यहां पर ये जो ट्रायल बैलेंस है और ये जो trial balance है इनमें अभी कुछ adjustment बाकी होगी तो मैं पहला काम क्या करूंगा बेटा जी आपको कुछ एडजस्टमेंट सिखाऊंगा आई एम गोइंग टू टीच यू एडजस्टमेंट्स सेकंड चीज इसमें क्या आती है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अगर मान लो आपने ऐसा डिसाइड किया कि आप एचओ का ट्रायल बैलेंस में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ट्रायल बैलेंस किससे बनता है अपना बचपन याद करो ट्रायल बैलेंस बनता है फ्रॉम लेजर और लेजर बनती है जर्नल और बाकी के जो भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है उनसे अब प्रॉब्लम क्या है कि एचओ का ट्रायल बैलेंस के लिए बैकअप किसका है लेजर का है बट ब्रांच का ट्रायल बैलेंस इधर डालेंगे कैसे ज नो मैकेल वे ऑफ डूइंग इट की हाँ इधर का फिगर लिया इधर एड कर दो ऐसा थोड़ा ना होता है अगर वो बोलेंगे कि हमको कंसॉलिडेटेड ट्रायल बैलेंस एंड मे बी यू हैव टू डू एंट्रीज फॉर द सेम मे बी यू है सेम हाउ डू यू डू हाउ डू यू मेक दोज एंट्रीज इज द क्वेश्चन हाउ डू यू मेक दोज एंट्रीज इज द क्वेश्चन एंड दिस एंट्रीज इज वॉट आई एम गोइंग टू टीच यू कि अगर आपको ब्रांच का ट्रायल बैलेंस इधर इंकॉर्पोरेट करना है वाया एंट्रीज सो so, दो टाइप की प्रॉब्लम बताता हूं एक प्रॉब्लम क्या कि आपको कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट बनाना पड़ेगा दूसरा वो बोलेंगे कि जर्नल एंट्री कर कर उधर का ट्रायल बैलेंस इधर इनकॉर्पोरेट करो ट्रायल बैलेंस कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इधर का ट्रायल बैलेंस और इधर का ट्रायल बैलेंस ऐड कर दो ऐसे कैसे ऐड करो इधर लेजर में बैलेंस दिखने को होना ना कि वॉट इज द बैलेंस ऑफ द एंटिटी सो इफ यू वॉन्ट टू डू इट एंट्रीज तो कैसे करना है मेजोरिटी केस में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर एडजस्टमेंट्स पर मेजोरिटी okay? उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हो सकते कौन सा क्वेश्चन सर कि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया और ब्रांच के फाइनल अकाउंट कौन पूछेगा बताओ ना यार ऐसा बॉयफ्रेंड का अकाउंट नहीं ब्रांच का फाइनल अकाउंट बनाओ समझ आ रही बात मुझे कौन पूछेगा ऐसा कोई नहीं पूछता है ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बचपन में बनाते थे अपन वो भी दस पंद्रह क्वेश्चन करके छोड़ दिए थे क्योंकि समझ में आ गया रिपीटेशन है पूरा बोर हो रहा है तो ऐसा क्वेश्चन आना नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो कुल मिलाकर बताने का तात्पर्य है कि तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक कंसोलिडेटेड दूसरा ब्रांच का ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करना विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री और तीसरा वाला आ, ब्रांच का आपको फाइनल अकाउंट बनाना है ब्रांच के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग लगभग नेगलिजिबल है आई होप यू गॉट माई पॉइंट सो विद दिस लेट मी एक्सप्लेन यू सम ऑफ द क्रिटिकल एडजस्टमेंट सुनिए एचओ के बुक्स में जैसे मैंने पहले आपको बताया था ब्रांच अकाउंट होता है एचओ हो और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन होती है एचओ हो के बुक्स में ब्रांच अकाउंट होता है और ब्रांच के बुक्स में एचओ हो अकाउंट हो होता है ठीक है इन एवरी कंसोलिडेशन प्रॉब्लम बिफोर यू बिगिन यू शुड मेक इट अ पॉइंट दैट ब्रांच अकाउंट टैलीज विथ एच अकाउंट विथ इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट मतलब अगर एचओ यह बोले कि ब्रांच तेरे से पैसा आना है तो ब्रांच ने एचओ को बोलना चाहिए कि तुमको पैसा देना है एंड दिस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट एग्री सो आई सेक्वल एंड अपोजिट बैलेंसेस क्या आप ये लिख सकते हो

हो गया ठीक है अब लिखिए हवर इन एग्जाम हव अवर इन एग्जाम हव अवर इन एग्जाम हव अवर इन एग्जाम बोथ दिस अकाउंट हावर इन एग्जाम बोथ दिस अकाउंट बोथ दिस अकाउंट विल नॉट टैली हाव अवर इन एग्जाम बोथ दिस अकाउंट विल नॉट टैली नहीं तो फिर मजा ही क्या आएगा तो ये अकाउंट एग्जाम में टैली नहीं होते तो तुम्हें अभी ये पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच है मतलब एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाएगा और ब्रांच अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाएगी एचओ अकाउंट तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा किस तरीके इन अकाउंट्स को टैली किया जाता है ओके नाउ लेट्स मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट वन गुड्स इन ट्रांजिट लिखे एडिंग गुड्स इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट इसको स्टॉक इन ट्रांजिट भी बोल सकते हैं बेटा यस अब जरा ध्यान से सुनते जाइए क्या होता है एवरी वन बी अजैल एंड अलर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स इन ट्रांजिट की पूरी स्टोरी समझते हैं एक एच हो होता है एक ब्रांच होता है ठीक है और हम ऐसा मान रहे हैं कि माल एच ने ब्रांच को भेजा है और जनरली वैसे ही होगा ब्रांच एच हो को सिर्फ रिटर्न करती है गुड ब्रांच एच को जनरली माल नहीं भेजती मैंने वर्ड यूज किया जनरली समटाइम्स इट मे हैपन सो मैंने कहा एच ने माल भेजा गुड्स गुड्स सेंट जो गुड सेंट है ये ट्रक में रस्ते में ही पड़े हुए है और तेरे ट्रक कैसे बनाऊ प्रॉब्लम हो गई सॉरी सो so, जो गुड सेंट है अभी आ गया याद कैसे बनाता था मैं हाँ ठीक है सो गुड इन ट्रांजिट है अभी तक ब्रांच तक पहुंचे नहीं है Now, what entry H O must have done when he has sent the goods to H oh, O, sorry branch? The entry should have been the entry should have been branch account debit to, to, to goods sent to branch. Now please understand. Let's assume that the amount is one lakh one lakh. Let's assume that the amount is one lakh one lakh. Now I'll create branch account.

इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ये किसके बुक्स में इन द बुक्स ऑफ एच ओ और इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ ब्रांच वी विल हैव विच अकाउंट एचओ अकाउंट इधर क्या बोलेंगे नो no एंट्री तो क्या ये अकाउंट टैली हो रहा है क्या ये बता रहा है कितना ब्रांच तेरे से एक लाख रुपए आने हैं बट ब्रांच बोली मुझे तो कुछ नहीं देना है तो इसको किसी ना किसी तरीके से टैली करना पड़ेगा टैली करने के दो तरीके या तो ब्रांच एंट्री कर ले तो काम खत्म हो जाता है या एचओ अपनी एंट्री को रिवर्स कर दे क्या एंट्री कर सकते हैं जरा ध्यान सुनना अभी यहां से पूरा ध्यान लगाना जो स्टॉक इन ट्रांजिट है वो हमें क्या करना पड़ेगा या तो एचओ एंट्री कर ले एचओ एंट्री कर ले क्या एंट्री करेगा स्टॉक इन ट्रांजिट टू ब्रांच स्टॉक इन ट्रांजिट टू ब्रांच है तो स्टॉक इन ट्रांजिट टू ब्रांच अगर मैंने लिख दिया वन लैख वन लैख सो क्या आप मेरी बात मानते हो इधर आ जाएगा बाय स्टॉक इन ट्रांजिट वन लैख इससे क्या हमारा अकाउंट जीरो पर आ गया है क्या अभी और एचओ के साथ टैली हो रहा है क्या इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एच ओ अकाउंट के साथ यस सो दिस इज वन वे बट विच आई विल नेवर रिकमेंड यू मैं हमेशा आपको यही चीज सिखाऊंगा कि एंट्री उसने करनी चाहिए जिसको माल मिलने वाला है और मुडिल भी यही स्टैंड फॉलो करता है सो so, हम ये एंट्री नहीं कर रहे मान लो तो स्टॉक एन ट्रांजिट इधर हुआ गया नहीं तो यही एंट्री जो एच कर रहा है वो एंट्री कौन कर ले ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री कर ले और वो क्या करेगा स्टॉक इन ट्रांजिट टू एच बिल्कुल सही बेटा स्टॉक एंड ट्रांजिट को कौन सा बैलेंस होता है डेबिट तो स्टॉक एंड ट्रांजिट विल ऑलवेज बी डेबिटेड टू ऑट एचओ अकाउंट तो कितना लिख दो बेटा जी वन लैक वन लैख अब बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं इधर मैं करूंगा बाय स्टॉक इन ट्रांजिट कितना आएगा बेटा जी वन लैख कैन यू मेक द डिफरेंस कि दोनो दोनों अकाउंट टैली हो गए हैं दोनों अकाउंट टैली हो गए कि नहीं इधर डेबिट बैलेंस और इधर क्रेडिट बैलेंस आई सेड बोथ शुड शो इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट तो इसमें हो गया एंट्री मेरी बात ध्यान से सुनो मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं कि अगर एंट्री एच ओ करे तो भी चलता है एंट्री क्या होगी स्टॉक इन ट्रांजिट टू ब्रांच अगर एंट्री ब्रांच करे तो भी चलता है एंट्री होगी स्टॉक इन ट्रांजिट टू एच ओ यू ऑल अंडरस्टूड बट एज अ मैटर ऑफ प्रोटोकॉल हम क्या करेंगे हम एंट्री उनसे कराएंगे जिनको माल मिलने वाला है तो किसको माल मिलने वाला है ब्रांच को तो ब्रांच अगर मान लो ब्रांच ने एचओ को भेजा है तो कौन एंट्री करेगा एच ओ यू ऑल अंडरस्टूड ओके अब इंटरेस्टिंग पार्ट जरूरी तो नहीं कि एच ओ ब्रांच को माल एट कॉस्ट ही भेजेगा तो इस माल में कई बार स्टॉक रिजर्व भी होता है ग्रीट तो हमेशा स्टॉक इन ट्रांजिट पर अगर स्टॉक रिजर्व रहा तो उसकी एंट्री करेंगे आप डू एल अप्रिशिएट ओके स्टॉक रिजर्व एंट्री के बारे में क्लियर हुआ और कौन एंट्री करेगा ये भी क्लियर हुआ अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात अगर कल को तुमको बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ ब्रांच का ठीक है ध्यान से सुनना दो टाइप के कंफ्यूजन इधर बच्चों को इंडिपेंडेंट ब्रांच में आता है ट्रेडिंग अकाउंट मैं दो ऑप्शन से बता रहा हूं पहला गुड सेंड टू ब्रांच यह चीज ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा तो मैंने लिखा टू गुड सेंड टू ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच कौन करता है एचओ तो एचओ ने एक लाख ट्रेडिंग में डेबिट किया क्योंकि ये ब्रांच का खर्चा हो गया उसके बाद में मैं इधर बाय स्टॉक इन ट्रांजिट लिख सकता हूं कितना वन लैक ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ और बैलेंस शीट में इधर आएगा स्टॉक इन ट्रांजिट असेट साइड में और इसमें से लेस होगा लेस स्टॉक रिजर्व स्टॉक इन ट्रांजिट वन लैक ऑफकोर्स स्टॉक रिजर्व और आउटर कॉलम में फिगर आएगा बट अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा ही नहीं डेबिट में उन्होंने नलायकों ने एक ही लाइन चेंज कर दी एग्जामिनर ने गुड रिसीव फ्रॉम एच यू हैव यू रिसीव्ड वन लैक है डेबिट में कुछ नहीं आया डेबिट में कुछ नहीं आया तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में स्टॉक एंड ट्रांसिट नहीं आएगा अरे ये स्टॉक एंड ट्रांसिट ट्रेडिंग में क्रेडिट में क्यों लिखते बताए क्या क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट है एक साइड में एक्सपेंस आ गया तो उसका मैचिंग स्टॉक दिखा दिया क्योंकि स्टॉक तो बिका नहीं है बट अगर बेटा डेबिट में ही नहीं आया तो इधर स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं आ सकता और वो सिर्फ कहां पे आएगा स्टॉक इन ट्रांजिट केस में बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रांजिट और लेस स्टॉक रिजर्व यस और नो तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा पता है है क्या रट के जाता स्टॉक इन ट्रांजिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में ऐसा लॉजिक नहीं है स्टॉक इन ट्रांजिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा कब अगर वो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हुआ है है मतलब गुड्स सारे के सारे के ग्रॉस वैल्यू पर डेबिट हुआ गुड सेंड मतलब क्या एच ने मान लो ये माल भेजा तो इसको गुड सेंड बोलेंगे ना तो वो अगर डेबिट हुआ ट्रेडिंग को तो जो इन ट्रांजिट है वो दिखाएंगे बट जब गुड्स रिसीव्ड बोल रहे ऐसा 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 वर्डिंग आया गुड्स मतलब सेंट वाला फिगर नहीं है जितना मिला सिर्फ उतना ही लिखा तो स्टॉक इन ट्रांजिट रिवर्सिंग इफेक्ट नहीं आएगा स्टॉक इन ट्रांजिट इन दैट केस विल ओनली अपियर इन बैलेंस शीट साइड हैव यू ऑल अंडरस्टूड अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच पर क्वेश्चन आता है तो स्टॉक इन ट्रांजिट का एक लॉजिक तो आएगा मतलब आएगा ठीक है तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख कर ले लो तो एंट्री कैसे सिखे? कौन एंट्री करता है जिसको माल मिलने वाला है वो एंट्री करेगा तो वो तो एंट्री क्लियर हो गई स्टॉक इन ट्रांजिट टू वॉट एचओ या स्टॉक इन ट्रांजिट टू वॉट ब्रांच अगर एचओ कर रहा है तो स्टॉक इन ट्रांजिट टू ब्रांच अगर ब्रांच एंट्री कर रहा है तो तो स्टॉक इन ट्रांजिट टू एचओ ये 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 क्रिस्टल क्लियर है अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि सर स्टॉक इन ट्रांजिट डिस्क्लोज कैसे करना तो मैंने कहा स्टॉक इन ट्रांजिट इज अ बैलेंस शीट आइटम बाय एंड लार्ज क्यों एंट्री क्या स्टॉक इन ट्रांजिट टू एचओ तो एक इफेक्ट एचओ अकाउंट में एक इफेक्ट स्टॉक इन ट्रांजिट स्टॉक इन ट्रांजिट इज एन असेट अकाउंट इट विल गो इन बैलेंस शीट एट साइड बट कभी कभी मॉड्यूल में ऐसा रहेगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में गुड्स रिसीव्ड नहीं होगा सेंड होगा और क्रेडिट साइड में क्या होगा स्टॉक इन ट्रांजिट वो मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा और कई बार ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि वहां पर वर्ड होगा गुड्स रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड मतलब माल जो पूरा भेजा वो लिया ही नहीं तो स्टॉक इन ट्रांजिट लिखने की जरूरत ही नहीं है सही है सर नो तुम्हारा स्टॉक तभी हो सकता है जब आपने उसको परचेसेस दिखा है परचेसेज दिखाया नहीं देर के नॉट बी स्टॉक इन ट्रांजिट तो जब रिसीव्ड होता है तो जितना माल मिला उतना ही डेबिट किया है तो का स्टॉक इन ट्रांजिट

Do you all appreciate? Can I take it to 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 next level? Trading account, branch. trading account branch account account. branch, branch branch, goods sent lakh lakh. ,00 by stock in transit, स्टॉक इन ,00 तो transit आता है गुड्स रिसीव्ड आया मतलब जो स्टॉक है वो आया ही नहीं तो उसको स्टॉक दिखाने का संबंध क्या है हाँ बट दोनों ही केस में बैलेंस शीट में जरूर आएगा स्टॉक इन ट्रांजिट लेस स्टॉक रिजर्व से यस राइट सो विद दिस मैंने आपको स्टॉक इन ट्रांजिट की एंट्री समझाई ठीक है नाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लॉजिक दैट लॉजिक विल रिवॉल्व अराउंड समथिंग कॉल्ड एज कैश इन ट्रांजिट अरे करो रे कितना स्लो करते हो अरे खरबूजो डन बेटा ओके नाउ आई नीड टू टेक इट द नेक्स्ट स्टेप वी राइट डाउन इट एज कैश इन ट्रांजिट राइट डाउन दिंग कैश इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट ओके सो वेन यू हैव रिटर्न कैश इन ट्रांजिट आई हैव गॉट माई फर्स्ट क्वेश्चन कैश इन ट्रांजिट का लॉजिक क्या होगा यू हैव एच ओ एंड यू हैव वॉट ब्रांच वट ब्रांच विल डू इज ब्रांच विल सेंड कैश टू वॉट एच ओ ब्रांच विल सेंड कैश टू वॉट एच ओके तो कैश भेजा एच ओ को कैश नहीं मिली एचओ को कैश नहीं मिली तो बेटा जी किसी ने तो एंट्री करनी है मैंने ट्रिक क्या बताई जिसको मिलने वाला होता है वह एंट्री करेगा अब मुझे बताओ कैश इन ट्रांसिट को कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस इट इज एज गुड एज अ सेट तो मैं आपको पहले पूरा डिटेल में बताता हूं होता क्या ब्रांच ने जब कैश भेजी होगी तो ब्रांच एंट्री क्या करेगा एच ओ अकाउंट डेबिट टू तो तो कैश लेट्स अज्यूम सो को डेबिट बैलेंस आएगा बट एचओ को मिला ही नहीं है तो एच ओ ने मिलने की तो नो एंट्री है बट फाइनलाइजेशन करते हो मैंने क्या बताया एचओ एंड ब्रांच शुड शो इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट इसके पहले फाइनलाइजेशन में जाना ही मत सो so, बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी इधर इधर मैं एंट्री करूंगा कैश इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच तो लिख कर लो अब आप पूछोगे कैश इन ट्रांजिट कहां जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड वेर वेल कैश एन ट्रांसिट गो बैलेंस शीट असेट साइड आई होप यू गोट माई पॉइंट एशो एचो टू कैश एंड कैश ऑन ट्रांसिट टू ब्रांच ठीक है, ओके okay. अब कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चन में पूछता हूं आपको लेट मी एक्सपेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम यू क्या हुआ एचओ का एक एम्प्लॉ ब्रांच में चला गया एचओ का एक एम्प्लॉई ब्रांच में चला गया बट उसकी सैलरी एचओ ही भर रहा है सो so, एचओ ने एंट्री कर दी एचओ ने एंट्री किया कि ब्रांच टू कैश क्योंकि खर्चा किसके लिए हो गया ब्रांच के लिए डेटर्स मेथड याद आ रहा है क्या ब्रांच ने एंट्री की नहीं तो ब्रांच को एंट्री करनी पड़ेगी क्या एंट्री होनी चाहिए ब्रांच के बुक्स में एब्सोल्युटली राइट एम इसकी एंट्री ऐसे होगी क्या सैलरी ब्रांच का एक्सपेंस बरा है बराबर है बट कैश किसने भरा है एचओ ने भरा कि ब्रांच ने एचओ ने सो हम यहां पर टू कैश नहीं क्या बोलेंगे टू एचओ अकाउंट एक्सपेंस मेरा है और मैंने क्या बोल दिया टू एच ओ अकाउंट आई होप यू गॉट माई पॉइंट और इधर एंट्री क्या हुई ब्रांच टू कैश इधर सैलरी टू कैश बोलते ही इट विल हिट एच ओस ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट तो इसलिए एंट्री क्या हुई ब्रांच टू कैश एंड यू आर द एंट्री सैलरी टू एच ओ प्लीज डू इट ऐसा और भी कई सारी चीजें हो सकती है आई एम श्योर कि तुम्हारे कॉस्टिंग में तुमने एक चीज समझी होगी एच ओ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करता है एट सेंटर लेवल जैसे एस बी आई बैंक ऑफ बड़ौदा ये सभी लोग एक्सपेंसिस कैसे करते हैं एट सेंट्रल लेवल और फिर सभी ब्रांचेस को उसमें से एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सेंट्रलाइज सर्विसेज में अकाउंटिंग भी कंडक्ट हो सकती है कि पूरे ब्रांचेस की अकाउंटिंग एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर और उसके एक्सपेंसेस सभी ब्रांचेस को डाल दिया जाए उस केस में एंट्री क्या होती है मेरी बात सुनिए जब मान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो एच एंट्री क्या करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और ब्रांच एंट्री क्या करेगा एडवर्टीजमेंट टू एच आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एग्रीड कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है सेंट्रलाइज लेवल पर वगैरह वगैरह कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल नाउ यस लवली पीपल ऐसा होता है कि ब्रांच ओ oh, सॉरी ऐसा एक ड्राइंग बनाइए मेरे साथ ही बनाइए है. है ब्रांच वन है ब्रांच टू है ठीक है ब्रांच वन ने ब्रांच टू को माल भेजा ब्रांच वन ने ब्रांच टू को माल भेजा इसकी एंट्री डायरेक्टली कभी नहीं होती क्योंकि अगर मान लो एसबीआई की थ्री थाउजेंड ब्रांचेस है और मान लो एक ब्रांच का हर एक ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो डू यू मीन टू से यू विल क्रिएट ब्रांचेस अकाउंट एंड हु इज गोइंग टू इट नो सो ऑलवेज रिमेंबर एक ब्रांच माल भेजती है दूसरे ब्रांच को द ट्रांजेक्शन इज नेवर डायरेक्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वाया एच ओ इट विल ऑलवेज बी गोइंग टू वाया एच ओ इट इज नेवर डायरेक्ट सो वन आई एम सेइंग ब्रांच वन सेंड गुड्स बैक टू एच तो एंट्री देखो कैसे होगी जब माल मिला था तब हमने एंट्री क्या करी थी गुड्स रिसीव्ड परचेसेस जैसा टू किया होगा जब माल मिला था ब्रांच वन को जब माल भेज रहे ब्रांच टू को तो एंट्री क्या होगी हमने माल रिटर्न कर दिया हाई जब माल मिलता है तब हम एंट्री क्या करते हैं एक्सपेंस या गुड्स रिसीव्ड टू एच ओ एचओ को पेबल जब माल रिटर्न करते हैं तब एंट्री क्या होगी एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड गुड्स एंड नहीं गुड्स रिसीव्ड बोलेंगे ना अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एच ओ अंडरस्टूड फिर एच ओ क्या करेगा माल मिला इसकी एंट्री करेगा एच ओ किसकी एंट्री करेगा माल मिलने की एंट्री करेगा तो एच ओ माल मिलने की एंट्री क्या करेगा वो बोलेगा गुड्स एंड टू ब्रांच टू ब्रांच अगर आपको याद आ रहा होगा तो रिटर्न की एंट्री हुई है ब्रांच वन फिर एचओ क्या करेगा इस माल को वापिस भेज देगा किसको ब्रांच टू को तो एंट्री क्या होगी ब्रांच टू टू गुड्स एंड टू ब्रांच और ब्रांच टू एंट्री क्या करेगी गुड्स रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ अकाउंट आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं ब्रांच वन विल नेवर नो ब्रांच टू इट इज ऑलवेज वाई एचओ तो ब्रांच वन ने माल ब्रांच टू को भेजा तो ट्रिक क्या हुई कि तुमने किसको भेजा एचओ को सो गुड सेंड टू एचओ ऐसा मानकर एंट्री करना है तो अपना एंट्री क्या होगा विल से एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ और गुड सेंड टू एचओ एग्रीड और एचओ क्या एंट्री करेगा जो माल हमने भेजा था वो रिटर्न आ गया ऐसा एंट्री करेगा तो वो एंट्री क्या करेगा गुड सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच वन और फिर ब्रांच टू टू गुड्स सेंड टू ब्रांच माल भेजने की और ब्रांच टू एंट्री क्या करेगी गुड्स रिसीव फ्रॉम एच ओ टू एच ओ अकाउंट एग्री एक ट्रिक बताऊ क्या कई बार मैक्सिमम टाइम एचओ के बुक्स में एंट्री पूछी जाती है तो क्या एच ओ के बुक्स में एंट्री क्या है ब्रांच टू टू ब्रांच वन क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सो so, ट्रिक क्या है एकदम रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच ये हमने डिपार्टमेंट अकाउंट में भी देखा था ये हमने किसमें देखा था डिपार्टमेंट अकाउंट में भी देखा था क्या एंट्री होगी रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच अकाउंट किसके बुक्स में बात कर रहा है एचओ रिसीव कौन हो रहा है ब्रांच सेंड कौन कर रहा है ब्रांच वन व एंट्री रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच से यस मुझे एंट्री नहीं समझी बताओ क्या एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ एचओ रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच ये ट्रिक एक ध्यान में रखना और दूसरा क्या एचओ ब्रांच को माल भेज रहा है सॉरी ब्रांच एचओ को माल भेज रहा है एचओ दूसरी ब्रांच को भेज रहा है तो आपको एंट्री इस सीक्वेंस में करना है किसी के भी बुक्स में पूछा तो एग्रीड सो बेटा ये ड्रॉइंग आपने की थी ये एंट्रीज भी लिख रखेगी आप एंट्रीज लिख कर रख लो डन कैन एक्सप्लेन यू न फर्दर ओके देखो ट्रिक इन द बुक्स ऑफ एच ओ इन द बुक्स ऑफ एच ओ राइट हम लिखेंगे द रिसीविंग ब्रांच रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच ये उनका शॉर्टकट है किसी को बताना मत ठीक है सेंडिंग ब्रांच की बुक्स में सेंडिंग ब्रांच ठीक है इधर एंट्री होगी सेंडिंग ब्रांच विल नेवर नो अदर ब्रांच इट विल ओनली नो एचओ सो एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स हो सकता है टू कैश हो सकता है वट एवर यू से सो कैन आई नॉट से टू कैश और गुड्स गुड्स लिख दू जो रिसीविंग ब्रांच है उसके लिए एंट्री क्या है यस एब्सोल्युटली राइट गुड्स टू एचओ ये कौन से बैलेंस शीट में ये कौन से फाइनेंशियल्स में जाएगा ये कौन से फाइनेंशियल्स में जाएगा स्टैंड अलोन दिस विल गो इन स्टैंड अलोन ये भी किस में जाएगा स्टैंड अलोन और ये इंपैक्ट जाएगा एचओ के बुक्स में ठीक है अब बेटा एक तुमको पता नहीं है बट तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ सीख ली वैसे एग्जाम में ये मेजॉरिटी केस में आता है अगर आया तो तुमने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है मुझे पता नहीं तुमको आइडिया है कि नहीं अरे बच्चों सिर्फ गुड्स थोड़ी ना भेजेंगे एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को कैश भेजा और पूछेंगे एच ओ के बुक्स में एंट्री करो तो क्या रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच के लिए बी भेजा रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच समझ आ रहा है ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन पूछे तुम एक ट्रिक ध्यान में रखना जो भेज रहा है उसको क्रेडिट करेंगे जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे एग्रीड तो ये बहुत पॉपुलरली आता है एग्जाम में ठीक है अच्छा इसी के साथ अभी हम बढ़ेंगे अगले पार्ट के पास हमने अभी तक तो कौन सा कौन सा देख लिया गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एचओ ऑन एक्सपेंस एज ब्रांच वैसा उल्टा ब्रांच भी कर सकती है ब्रांच हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ एचओ तो एचओ एंट्री क्या करेगा एक्सपेंस टू ब्रांच और ब्रांच एंट्री क्या करेगी एचओ टू कैश समझ में आ रहा है कि नहीं चलो लिख देते एक्सपेंस बाय, इनकर्ड बाय, इनकर्ड बाय, ब्रांच फॉर एचओ एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच फॉर बाओ एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच सो ब्रांच के बुक्स में पहले एंट्री होगी एच ओ टू कैश ब्रांच कभी ये नहीं बोलेगा एक्सपेंस टू कैश क्योंकि फिर वो ब्रांच का एक्सपेंस हो जाएगा ना और एच ओ क्या बोलेगा एक्सपेंस बट okay. वो कैश नहीं बोलेगा yeah. क्योंकि उसके यहां से कैश गई नहीं तो क्या बोलेगा टू ब्रांच आई होप यू गॉट माय पॉइंट डू ऑल अप्रिशिएट दिस गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज अगेन वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग एंड वॉट इज दैट पार्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड असेट अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड असेट इंटरेस्टिंग है मजा आएगा तुमको पढ़कर ये, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आईसीआई की ब्रांचेस है right, राइट आईसीआई की ब्रांचेस है और कई जगह पे आईसीआई हैज कंस्ट्रक्टेड रियली ब्यूटीफुल ऑफिसर्स अब मैं आपसे पूछता हूं ये फिक्स्ड असेट किसकी ओनरशिप के अंडर खरीदे जाते होंगे ब्रांच की ओनरशिप पर या एचओ ओ की ओनरशिप पर तुम्हारा बोलना है कि ब्रांच की ओनरशिप पर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं अपना अकाउंटिंग करते रहो बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता क्यों क्यों तुम्हें बताया एचओ के नाम से क्यों लेते क्योंकि कभी कल को लोन वगैरह लेना है एचओ को तो सारे फिक्स्ड एसेट एक व्यक्ति के नाम पर चाहिए तो बाय सेल भी इजी हो जाता है और फिर ब्रांच मैनेजर उस असेट के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब तांडव और कांड नहीं होते तो जनरली जितना मैं जानता हूं कि सारे नेगोशिएशन फिक्स्ड एसेट के खरीदी करने के लिए बल्क में एचओ ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा ब्रांच की कैपेबिलिटी कम रहेगी टू तो नेगोशिएट एन ऑल क्योंकि वो थोड़ा सा बट सपोज इफ यू वॉन्ट टू बाय बास इट इज इजियर फॉर एचओ टू डू इट सपोज यू वॉन्ट टू बाय ओनली टू कबड्स इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांच टू नेगोशिएट टू द्वट एच एचओ कैन डू जनरली so क्या होता है कि जब नेगोशिएशन होती है तो वो एचओ करता है और एचओ सारी एसेट अपने नाम पर खरीदता है और ब्रांच को भेज देता है एक्चुअली ऐसा होता है मेजोरिटी केस में तो उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट हम क्या लिखेंगे ब्रांच फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड बाय एच लिख कर लेंगे आप ब्रांच फिक्स्ड असेट मेंटेन्ड बाय एचओ ये बात समझ आई आपको ब्रांच की फिक्स्ड असेट विल बी मेंटेन बाय एचओ नाउ दैट लीड्स टू एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फिक्स्ड असेट का फिनेंस कौन करता है कई बार फिक्स्ड फिक्स का एचओ करता है फिक्स्ड का फाइनेंसिंग एचओ बोलता है खरीदेगा मैं पैसा तू ही दे क्योंकि यूज तू ही करेगा सो परचेस्ड बाय एचओ मेंटेन्ड बाय एचओ पेड बाय ब्रांच या परचेस्ड बाय एचओ मेंटेन्ड बाय एचओ पेड बाय एच ओ अब इसका चार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा तो ध्यान से करते हैं पहले हम लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय मेंटेन्ड बाय एचओ ध्यान से देखना बेटा इधर पर्टिकुलर्स का कॉलम है बुक्स ऑफ तो मैं इधर लिखूंगा ट्रांजैक्शन और इधर मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ एचओ और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अब कुछ बच्चे जो होशियार रहेंगे वो मुझे दो मिनट में पूछेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो सर तुमने तो बोला कि ब्रांच की असेट का रिकॉर्ड कौन बना रहा है एचओ कर रहा है तो ब्रांच के बुक्स में कौन से एंट्री आएगी सर ये तो कॉलम ही गलत है नहीं बेटा कॉलम गलत नहीं सही है मुझे थोड़ा सा मौका दो मैं समझाऊंगा अभी आप इस कॉलम को एकदम अपने भीतर उतार लो फिर हम आगे जाएंगे मैंने कहा, पहला की वर्ड, बुक्स आर हो, आगे और एक चीज लिखेंगे खरीदी जाएगी एच ओ तो एच ओ रिकॉर्ड करेगा फिक्स के अकाउंटिंग तो इन द बुक्स ऑफ एचओ क्या एंट्री होगी और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या होगी ये मुझे समझाना है तो जरा सुनो परचेस्ड होप अभी आपको समझ में आ रहा है कि ब्रांच की बुक्स में एंट्री क्यों आएगी अब हमने ब्रांच को पूछा hey, खरीदा गया तूने पूछा कि तू अकाउंटिंग कर सकता है क्या फिक्स एसेट क्यों बोले नहीं, नहीं। So, इधर से कैश तो जाएगी बट वो क्या लिखेगा एच ओ अकाउंट को पैसा दिया टू कैश इधर एंट्री क्या होगी फिक्सडसेट वेरी गुड बेटा टू ब्रांच क्योंकि इधर से कैश नहीं जा रही है तो so, पहले ये फॉर्मेट बना लो फिर हम आगे आपको लेके चलेंगे नाउ नेक्स्ट आई एम सेइंग नेक्स्ट परचेस्ड बाय एचओ ठीक है पेड बाय एच ओ यहां पर हम क्या लिखेंगे नो सॉरी नो एंट्री या <laughs> क्यों क्योंकि बेटा ब्रांच का कोई लेना देना नहीं है बट इधर एंट्री क्या हो जाएगी बिल्कुल सही फिक्स्ड असेट टू कैश ठीक है नाउ द इंटरेस्टिंग सीनारी हैपन्स हियर डेप्रिसिएशन कैन आई आस्क यू वन थिंग कौन असेट को यूज कौन कर रहा है ब्रांच यूज कर रहा है ना तो डेप्रिसिएशन एचओ की बुक्स में क्यों हिट करेगी सो इट इज एज गुड एज एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रांच विच एचओ टू अकाउंट फॉर सो द एंट्री वुड बी ब्रांच टू फिक्सड असेट और इधर एंट्री आएगी डेप्रीसिएशन टू एच ओ डि कि बेटा जी एच ओ के पास फिक्स असेट है बट वो वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करेगा क्योंकि खर्चा एच ओ का नहीं है डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट इटव इट विल हिट एच ओज ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट इसलिए एंट्री क्या बोली ब्रांच टू फिक्स फिक्स एसेट के भाव को कम किया रेट को कम किया वैल्यू को कम किया किसको डेबिट मारा ब्रांच को और इंटरेस्टिंग ब्रांच फिक्स का अकाउंट बनाती ही नहीं है ब्रांच की बैलेंस शीट में फिक्स एसेट नहीं है बट फिर भी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की एंड द एंट्री इज डेप्री टू एच ओ है डाउन दिस एंट्री एंड दिस इज द क्रिटिकल एंट्री एंड यू अंडरस्टूड दिस यू आर वन ऑफ दोज लकी हु अंडरस्टेंस दैट है न आई नॉट आस्क यू एक और लेवल भी तो बनेगा ना कौन सा लेवल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय्रांच फॉर फिक्स मतलब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय ब्रांच ब्रांच ही अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर दी फॉर वॉट फिक्सड एसेट सो क्या लिखूंगा लिखिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय बुक्स ऑफ For what मेंटेन्ड बाय ब्रांच फॉर can फॉर not नॉट से इट विल बी transaction और तो इधर क्या आएगा बुक्स ऑफ नहीं पहले एच करते हैं ना बेटा क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मेट फॉलो करते तो इजी रहेगा आपके लिए इधर आएगा बुक्स ऑफ ब्रांच इधर बुक्स ऑफ अरे जाना भाई अच्छा ठीक है बुक्स ऑफ एच ओ ठीक है मैं लिख रहा हूं फिक्स्ड फिक्सडसेट परचेस्ड एंड पेड बाय एच ओ सॉरी ब्रांच करते पेड बाय ब्रांच मैं पूछू एक क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट कौन मेंटेन कर रहा है

यहां पर क्या आएगा नो no एंट्री क्योंकि यार एचओ का कोई लेना देना ही नहीं ना ना एचओ फिक्स्ड एसेट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना वो कोई कैश भर रहा है नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट परचेस्ड एंड पेड बाय एचओ क्या लगता है तो फिक्स्ड एसेट टू एचओ बिल्कुल सही और इधर ब्रांच टू कैश बिल्कुल सही है देखते कितने बुद्धिमान हो तुम या गोबरी करने वाले हो डेप्रिसिएशन ब्रांच में डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट बिल्कुल सही एच ओ में नो एंट्री बिल्कुल सही क्योंकि वो एंट्री किस बात की करेगा उसके पास असेट है ही नहीं जो भी मैंने ट्रांजेक्शन आपको बताई वो पेज नंबर उन्नीस और बीस पर लिखा हुआ है 19 और 20 पर ये सारी चीजें लिखी हुई है इन योर रिविजन बुकलेट 19 एंड 20, इन पॉइंट नंबर 8 शब्द लिखा हुआ है सम स्पेशल आइटम अंडर इंडिपेंडेंट ब्रांच स्पेशल आइटम्स अंडर इंडिपेंडेंट ब्रांच आई होप यू गोट माई पॉइंट इसके बाद में हमें क्या करना है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं बट बिफोर वी स्टार्ट दिस आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू कम डाउन टू पेज नंबर सेवेंटीन एंड एटीन फर्स्ट फाइनल अकाउंट अगर बनाना है तो पहले एंट्री जानी जरूरी है सेवेंटीन में अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे क्या लिखा है एंट्रीज एच के बुक्स में और ब्रांच के बुक्स में एचओ के बुक्स में मैं ट्रिक बता रहा हूं डेटर्स मेथड यूज करना ब्रांच में थोड़ी सी शक्ति लगानी पड़ेगी पहला गुड्स आर सेंट बाय एचओ टू ब्रांच हम एंट्री क्या करते ब्रांच टू गुड्स सेंट और यह एंट्री क्या करेगा गुड्स रिसीव्ड टू एच नेक्स्ट गुड्स आर रिटर्न उल्टी एंट्री गुड सेंट टू ब्रांच टू ब्रांच और इधर एंट्री क्या करेंगे हम एच टू गुड्स रिसीव्ड ठीक है ना वो इंडिपेंडेंस रखना ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ ब्रांच टू कैश ब्रांच की बुक्स में एक्सपेंस टू एचओ आई होप यू गॉट माय पॉइंट प्रोपोर्शन ऑफ एचओ एक्सपेंसेस चार्ज्ड टू ब्रांच ऐसा होता है ना एचओ के कुछ सेंट्रलाइज एक्सपेंसेस चार्ज टू टूट ब्रांच अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में भी क्या होगा या सेंट्रल एक्सपेंसेस भी क्या होगा सो so आप क्या करोगे इसका ब्रांच टू एक्सपेंस क्योंकि इधर कैश पे नहीं हुआ इधर सिर्फ अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस है

Branch, daters, collector by branch, daters, independent branch, में किसकी बुक्स में होंगे ब्रांच ब्रांच हमारे बुक में डेटर है ही नहीं वो। वो हमारे हमारे पास उस डेटर ने लाकर दे दी। गैश। मतलब गैश। branch का डेटर, हमारे books में वो डेटर है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कैश टू ब्रांच और ब्रांच एंट्री क्या करेगी एच ओ टू डेटर्स क्योंकि कैश तो आई नहीं बट डेटर्स को तो कम करना पड़ेगा ना क्योंकि हमारे डेटर ने पैसा किसको दे दिया एचओ को So, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री थी अच्छी एंट्री थी डिविडेंड कलेक्टेड बाय ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ एचओ डिविडेंड किसकी इनकम है किसकी इनकम ऑन बिहाफ ऑफ एचओ की तो हम एंट्री क्या करेंगे ब्रांच टू डिविडेंड इनकम दिखा दिया ब्रांच एंट्री क्या करेगा कैश टू एचओ ब्रांच एंट्री क्या करेगा कैश टू एच है नहीं ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है

तो इस एंट्रीज को लिख लो जब आपको फाइनल अकाउंट करना होगा तो डेफिनेटली रिवाइज ये वाली एंट्रीज और जो मैंने आपको लिख कर दी है वो सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए इज दैट ओके अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये स्पेशल आइटम्स पॉइंट नंबर एट से गुड्स इन ट्रांजिट हमने देख लिया कैश इन ट्रांजिट हमने देख लिया डेप्रिसिएशन भी देखा हाँ या ना और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन भी बताओ उसका सेंडिंग ब्रांच हेड ऑफिस के बुक्स में रिसीविंग ब्रांच ये सारी चीजें देखी हमने हाँ या ना दैट सेक्ट उसके बाद में फॉरन ब्रांच शुरू हो जाता है तो एक बार इतने लेवल तक अगर आप प्रिपेयर हो जाते हो तो हम कुछ क्वेश्चन के पास आगे जाएंगे तो अगले पांच छः मिनट सारी एंट्रीज एक बार रिवाइज कर कर परफेक्ट हो जाओ उसके बाद में विल मूव अहेड हेड विथ वॉट विथ वॉट क्वेश्चन नेक्स्ट तो अभी मैं वर्चुअल बैच और पेंड्राइव स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि थोड़ा पॉज लो यहाँ पर एक बार पूरा रिवाइज करो अगले चार पांच छः मिनट में एंड देन विल गो हेड एंड सी दी क्वेश्चन इज दैट ओके ओके थैंक यू